फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट पुडिंग। तो ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्किट पुडिंग के लिए हमें चाहिए बिस्किट। मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट 15 ले लिया है और 15 बिस्किट को मैंने 5 टेबलस्पून बटर, जो अनसॉल्टेड बटर के साथ अच्छे से मैंने ग्राइंड करके और मिला के यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप हंग कर्ड, जो पहले मैंने 2 कप जो दही को कपड़े में बांध के और टांग के रख दिया था 3-4 घंटे के लिए, तो ये हंग कर्ड मैंने 1 कप ले लिया है। हमें चाहिए 1 कप, मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ले लिया है। और यहाँ पे हमें चाहिए 1 कटोरी चीनी, चीनी अपने स्वाद के अनुसार। और फ्रूट्स के लिए मैंने यहाँ पे पीच ले लिया है 1 कटोरी, और यहाँ पे मैंने मैंगो ले लिया है 1 कटोरी, मैंने यहाँ पे ग्रेप्स ले लिया है 2 तरीके का, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी चॉप्ड पियर, और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैंने ये कीवी ले लिया है स्लाइस किया हुआ, और चाहिए हमें 1 पैकेट जेली, जो वेजिटेबल जेली बना लेंगे। तो जेली के लिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के काप के 2 कप मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया। अभी इसमें उबाल आ गए हैं, तो ये 1 पैकेट जेली मैं इसमें डाल दूंगी और इसको बस मिला लेंगे अच्छे से। जैसे ही उबाल आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो हम बंद करके इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा होने के बाद फिर यूज़ करेंगे। जब तक जेली ठंडा हो रहा है, हल्का सा ठंडा होने के बाद हम यूज़ करेंगे, तब तक ये जो बिस्किट का जो क्रम्स है इसको अच्छे से प्रेस करके और एकदम सेट करके और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। थोड़ा सा ये जेली ठंडा हो गया है, तो इसके ऊपर हम इसको पोर कर देंगे। अब इस जेली के ऊपर थोड़ा सा हम जो है फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्टलाइज हो जाएगा जब, फिर उसके बाद हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। अब जेली आधा घंटे से ऊपर मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे से जम गया है। तो आप जो है, मैं ऊपर का जो लेयर इसके लिए बनाऊँगी, तो ये जो पहले मैं फ्रेश क्रीम ले लूँगी और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर से। दही ऐड कर दूंगी क्रीम में और इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। पाउडर शुगर मिला के और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है, इसमें सारे फ्रूट्स जो है मिक्स कर दूंगी, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम बचा के रखे हैं क्रीम और फ्रेश जो फ्रूट है, तो उसको बाद में ऐड करेंगे। फ्रूट्स मैंने काफ़ी सारे इसमें मिला दिया है, थोड़ा सा बचा के रखे हैं गार्निशिंग के लिए, और इसके ऊपर में पहले इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फ्रूट्स वाला जो क्रीम मैंने पहले ऐड कर दिया, अब जो ये पूरा प्लेन क्रीम है इसके ऊपर से पोर कर दूंगी। अब ये जो पूरा प्लेन वाला क्रीम डाल दिया, इसके ऊपर हम फ्रूट से अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे। बिस्किट पुडिंग बिल्कुल रेडी है। इसको जब ही सर्व करना है, ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिए और मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ।